नमस्कार, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रेड बनाने जा रही हूँ, और वो भी बिना ईस्ट के। ऐसे तो ब्रेड ईस्ट के बनता है, पर मैं आपको बिना ईस्ट के ही बताऊंगी, और वो भी गेहूं के आटे से। तो आइए चलिए बनाते हैं ब्रेड। मैं ये ब्रेड कढ़ाई में बनाऊंगी। इसके लिए पहले मैं ब्रेड कढ़ाई को प्रीहीट करूंगी। इसे मैं 10 मिनट के लिए प्रीहीट करूंगी, 5 मिनट्स हाई फ्लेम पर और 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर। मैं इसके अंदर ये मैं रख दूंगी इस टाइम। मैंने एक बाउल में छन्नी लगा करके 2 कप आटा ले लिया है, और इसमें मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक, देखिए मैंने आटा छान लिया है। अब मैं इसमें बाकी चीजें मिलाऊंगी। ये मैंने जो 1 टीस्पून ली शुगर लिया था वो डालूंगी, 2 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूंगी, 1/4 कप कर्ड। अब मैं इसको हल्का से मिलाऊंगी। अब मैं इसे हाथ से मिलाऊंगी, हल्के हाथ से ही मिलाना है। अब मैं इसमें बटर मिल्क ऐड करूंगी। बटर मिल्क के लिए मैंने 3/4 कप वार्म मिल्क में 1 नींबू निचोड़ करके साइड में रख लिया था। आप चाहें तो इसके जगह पर विनेगर भी यूज कर सकते हैं। इसे मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े और ये ज्यादा गीला भी ना हो। हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। इसे हल्के हाथ से ही हम मिलाएंगे। देखिए अभी मिल चुका है, अच्छी तरह से कच्चा डो बन गया है, ये देखिए। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दूंगी, हल्का सा स्प्रेड करूंगी, ये देखिए। आपको थोड़ा स्टिकी लग रहा होगा, पर हम इसे हाथ में तेल लगाकर ही करेंगे। अब मैं इसे ढककर 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पर रखूंगी। पंद्रह मिनट हो चुका है, हमारा आटा तैयार हो गया होगा। आइए देखते हैं। देखिए मैं इस थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लूंगी इस तरह से, और फिर इसे इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का और मसल लूंगी, हल्के हाथ से ही मसलेंगे इसे। थोड़ा सा और तेल लूंगी, देखिए मैंने टीन ली है उसे ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसी में ही ब्रेड बनाऊंगी। ये हाथ में तेल लगाकर इसे इस तरह से हाथ में उठाकर इसे सेक दूंगी मैं थोड़ा सा। अब इसमें डाल करके इसे सेट करूंगी। इसे चारों तरफ से अच्छे तरह से सेट कर देंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध स्प्रेड कर दूंगी इस तरह से। और थोड़े से मैंने यहाँ पर सीड्स लिए हैं, उसे भी स्प्रेड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो ना डालें। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये और भी हेल्दी हो जाएगा और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। थोड़े से ओट्स लूंगी और वो भी इस तरह से
स्प्रेड कर दूंगी। अब मैं स्टीम को इस कढ़ाई में इस तरह से आराम से रखूंगी क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। देखिए आराम से मैंने रख दिया इसे। अब एक बर्तन से इसे मैं ढक दूंगी और मैं इसे 30 से 35 मिनट तक बेक करूंगी। उसके बाद मैं चेक करूंगी कि हमारा ब्रेड हुआ या नहीं। अब 35 मिनट्स हो गए हैं, आइए हम ब्रेड को चेक करते हैं। इसे आराम से निकालिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये देखिए मैं कुकर से निकाल रही हूँ आराम से एक कपड़े की हेल्प से। वाह देखिए हमारा ब्रेड कितना अच्छा से तैयार हो गया है। अब मैं इसमें एक टूथपिक डालकर देखूंगी। देखिए मैं इस तरह से टूथपिक डाल करके देख रही हूँ, ये देखिए कितना क्लीन निकला है। मैंने इसे 30 मिनट्स में देखा था लेकिन ये थोड़ा सा मुझे कच्चा लगा तो मैंने इसे 5 मिनट और बेक किया है। तो इसी तरह से आप बीच में एक बार चेक कर लेंगे कि हुआ है या नहीं, फिर आप उसे निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम इसे निकाल कर साइड में रखते हैं। वाओ हमारा ब्रेड कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। देखिए अब मैं इसमें बटर स्प्रेड करूंगी। अभी मैं इसे नहीं निकालूंगी, बहुत गर्म है, इस तरह से इसे ताकि इसका सॉफ्टनेस बना रहे। ये देखिए हमारा ये हो गया। अब मैं इसे एक गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। देखिए मैंने कपड़ा हटा दिया है। अब मैं इसे चाकू की सहायता से चारों तरफ से इसे घुमा दूंगी ताकि हमारा ब्रेड अच्छी तरह से निकल आए। अब एक प्लेट लूंगी और इसको इस तरह से रखकर इसे इस तरह से उलट दूंगी और ऊपर से थोड़ा ये देखिए। मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। हमारा ब्रेड बनकर तैयार हो गया है। आप इसी तरह से बनाएं और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका ब्रेड कैसा बना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।